नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यहाँ जो नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, भूमि अधिग्रहण होने जा रही है और इसमें बहुत लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में पूरे भारतवर्ष को संबोधित किया था और कहा था कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसको लागू किया जाएगा। जितने लोगों की जमीनें भूमि अधिग्रहण में आई है उसके ऊपर फैक्टर 2 अप्लाई होगा, यानी कि 4 गुना पैसे मिलेंगे। जो लोग भूमिहीन होंगे उनको नौकरी दी जाएगी। गडकरी ने भी, जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी पत्रकार वार्ता कर कहा था कि अगर प्रदेश सरकार हमसे मांगेगी कि लोगों को 4 गुना पैसे मिलने चाहिए तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। अजय महाजन ने बताया कि गडकरी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा था कि बिहार सरकार ने उनसे 4 गुना पैसे मांगे थे और उन्होंने 4 गुना पैसे दिए। अजय महाजन ने कहा कि सरकार का जो घोषणा पत्र था उसमें भी कहा गया था कि अगर भाजपा की प्रदेश में सरकार बनती है तो जितने भी लोग भूमिहीन होंगे उनके ऊपर फैक्टर 2+ अप्लाई होगा और 4 गुना पैसे दिए जाएंगे। भाजपा को अपने घोषणा पत्र पर ध्यान देना चाहिए और दिखाना चाहिए कि इन्होंने जो वायदा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने अब उनको चुन लिया है और आपको अब भूमिहीनों की बात सुननी चाहिए और उनको हक दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं उनको दुकानों का जो नुकसान हो रहा है वो भी उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पौंग बांध विस्थापित बड़ी मुश्किलों से अब कई जगह पर दोबारा विस्थापित हुए हैं और एक बार फिर उन्हें भूमिहीन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लोगों की समस्याओं को सुने और उनका हक उन्हें दिलवाएं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं बात करना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे जो बनने जा रहा है यहाँ पे उसके मतलब एक्विजिशन होने जा रही है और इसमें बहुत लोग डिस्प्लेस होने जा रहे हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में पूरे देश को संबोधित किया था और उसमें कहा था कि 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाएगा और जितने लोगों की जमीनें अक्वायर होंगी उसको उसके ऊपर फैक्टर 2 अप्लाई होगा, यानी कि 4 गुना पैसे मिलेंगे और जो लोग डिस्प्लेस होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी और रिहैबिलिटेट भी किया जाएगा। और इसके अलावा माननीय गडकरी जी जो इस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर प्रदेश सरकार हमें आग्रह करे, हमें हमसे मांगे कि लोगों को 4 गुना पैसे मिलने चाहिए, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, हम खुशी खुशी पैसे देंगे। और जैसे बिहार का उन्होंने उदाहरण दिया कि बिहार गवर्नमेंट ने हमसे 4 गुना पैसे मांगने के लिए कहा और हमने उनको उसका वो जो थे एग्री करके उनको 4 गुना पैसे दे दिए। इनका जो अपना विजन डॉक्यूमेंट है उसमें बीजेपी वालों ने कहा चुनावों से पहले कि अगर हमारी सरकार आती है तो जितने भी जमीनें जो एक्वायर होंगी उनके ऊपर फैक्टर 2 अप्लाई होगा और 4 गुना पैसे इनको मिलेंगे। मैं तो कहूंगा कि इनको अपने विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर विजन डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते हैं, एक तरफ माननीय गडकरी जी जो मंत्री हैं इस विभाग के वो कह रहे हैं सरकार को कि हमसे पैसे मांगो, हम देने को तैयार हैं।
अपने ही विजन डॉक्यूमेंट में इन्होंने कहा हम पैसे देंगे, ये थी इनकी कथनी।